मैं जीएम शाइन जी आप ही के पास आ रही हूँ। सवाल मेरा यही है, डील अब डन हो गई है, आप तो किसी भी तरीके से सिंहासन के डगमगाने की कोई गुंजाइश तो नहीं है ना? नहीं, क्यों सिंहासन क्यों डगमगाएगा? देखिए, मैं पहले से बता रहा हूं ना कि इन लोगों की परेशानी या मानसिकता ऐसी है, सोचने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ये लोग। अगर इतने सारा इतने इतने फंड्स मिल रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रही है पूरी कंट्री के अंदर, तो ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं आज? हम लोग अगर सड़कें, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन सेक्टर, आपको क्या चाहिए? वो डिफेंस में बढ़ा रहे हैं, ये लोग और क्या चाहते हैं कि इनके घरों में डायरेक्ट अकाउंट में भेज दें हम, इनके सेविंग अकाउंट्स में भेजा जाए पैसा, तो इनको तब लगेगा कि हम लोगों का जो बजट बहुत अच्छा था, जो इन्होंने पीछे किया, करप्शन किए, ईडी लगा, सीबीआई लगा। इनकी सोच ऐसी है, मैं प्राची ये बता रहा हूँ कि ये पहली दफा नहीं है, पिछले 15 सालों से बजट आ रहा है हमारे देश के अंदर। और इस बार जो है आपका कोरोना काल के बाद जीडीपी इतना बढ़ रही है, तो और क्या सोच रहे हैं ये लोग? इनकी सोच जा कर रही है, तो ये देखना पड़ेगा, ये एक परेशानी का विषय है। और सरकार गिरेगी, सरकार गिरना तय है, ऐसे दावे किए जा रहे थे और ऐसे दावे क्यों किए जा रहे थे? जीएम शाइन जी, आप जानते हैं आप लोगों पर और ज्योतिरा जी की पार्टी पर सबसे ज्यादा निगाहें सरकार विपक्ष की थी। अब इसी का जवाब ले लेती हूँ। कंचना जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए क्या? दोनों साथियों को जो चाहते थे वो सरकार की तरफ से मिल गया? देखिए, आप ज्योत्सना जी को हो सके इस, अरे जीएम साइन जी सुन लीजिए, ज्योत्सना जी को हो सके स्पेशल स्टेटस का दर्जा अब नहीं चाहिए तो अलग बात है, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा कितनी दफा आपके साथ डिबेट किया? सुन लीजिए, स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए। और जो इन्होंने अब बोला है कि हम ये देंगे, एक्सप्रेसवे देंगे, इतना बजट देंगे, अरे कंचना जी क्यों परेशान हो रही है? इनको जरा म्यूट कर दीजिए, नहीं तो बुलवा लीजिए, हम बैठे ही रहते है ना। ये जो रूटीन बजट में जो चीजें होती हैं, आप उसी को 50 बार नाम लेकर कि हम एक्सप्रेसवे बनाने के पैसे दे रहे हैं, हम इसके पैसे दे रहे हैं, हम उसके पैसे दे रहे हैं, ये रूटीन बजट के पैसे हैं। आप बार बार बिहार का नाम लेकर बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दे दिए। और सबसे अहम बात ये है कि इसके लिए खुद बस सेंट्रल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी, कर्ज इन्हीं को लेना पड़ेगा, चाहे ये वर्ल्ड बैंक से पैसे ले, चाहे ये साउथ एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे ले, चाहे जहां से पैसे ले, लेकिन पैसे लेने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। और ये कर्ज जो है वो केंद्र सरकार में नहीं जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंधे पर है, इसीलिए स्पेशल स्टेटस की जरूरत थी कि जिस पर कार्यभार जो हो वो 90% वो केंद्र की सरकार उसका उठाए, और जो लीगल डेफिनेशन होता है वो मिले, पॉलिटिकल प्रिविलेज मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज मिले, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस स्टार्ट हो, ये हमारा मोटिव था, लेकिन इन्होंने चंद पैसे लेकर वो भी मिले। अच्छा, यानी कि कंचना जी आप ये मान रही हैं कि सरकार ने बिहार के साथ बहुत अच्छा नहीं किया, तो आपके सहयोगियों को क्यों बिहार फिर आंखों में चुभ रहा है? बयान तो कई ऐसे सामने आ गए कि ऐसा लग रहा है कि संसद में जैसे बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट पेश किया गया हो। समझाइए अपने सहयोगियों को फिर। प्राची, कंचना की परेशानी में समझता हूं। कहना ये है जीएम साइन जी, हमारे सहयोगियों का ये कहना है कि 50 बार आंध्र प्रदेश का, 50 बार बिहार का नाम लेने से होलो जो प्रॉमिसेस आपने किए हैं, जो गुमराह करने का आपने काम किया है, उससे लग रहा था कि आप दोनों को कंचना मेरी बहन परेशान हो रही है, आज जेडीयू ज्वाइन कर, वहाँ क्या रखा है तुम्हारे वहाँ पे? अरे क्या रखा है उधर? आजा जेडीयू में, मैं सिफारिश करता हूँ। वो पारित हो चुका है, वो कोई कुछ नया नहीं है।